अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो डियर स्टूडेंट, आज की स्टूडियो हम बात करने वाले हैं। शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर ने अपनी एडमिशन 2024 अनाउंस कर दी है। तो इस वीडियो पर आपको कंप्लीट डिटेल दी जाएगी इसके फॉर्म के रिगार्डिंग, कि इसका फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, और इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, और उसकी लास्ट ईयर की जो मेरिट लिस्ट है वो, और पास और उसके साथ पास पेपर के रिगार्डिंग में बात की जाएगी। तो मेक श्योर वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, और उसके साथ उनके पासिंग मार्क्स के रिगार्डिंग, CPN के रिगार्डिंग, उनके डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग, एडमिशन शेड्यूल के रिगार्डिंग, तो एंड मास्टर डिग्री के रिगार्डिंग, तो मेक श्योर चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में पाकिस्तान कोई भी स्कॉलरशिप, जॉब या यूनिवर्सिटी की एडमिशन आती है तो उसके रिगार्डिंग अपडेट दी जाती है। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है, और उसके साथ आपके लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि हम लोग आपकी यूनिवर्सिटी का, शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर का एक मॉक टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं। तो उसका जो क्राइटेरिया आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप, तो उसको लाजमी ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ पर आपको सारा क्राइटेरिया मॉक टेस्ट का बताया जाएगा। तो लाजमी से व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन कर देना है। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इनके जो मेन कैंपस एंड इनके जो सब कैंपस है, उन्हें सब में एडमिशन अनाउंस हो चुकी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इनके जो मेन कैंपस है उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट है और कौन कौन से फैकल्टीज़ हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम BSc, CS, IT, BS.com, BBA, BBA, BEd एंड फार्मेसी एंड LLB, तो इन डिपार्टमेंट के बारे में बात करें जो 5 ईयर्स के एंड 4 ईयर्स के प्रोग्राम हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड लैंग्वेज में, तो उसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, सेकंड नंबर पे सिंधी एंड थर्ड पे उर्दू आ जाते हैं। एंड सेकंड नंबर पर अगर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो उसमें स्पेशल एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, ECE, BEd 1.5 ईयर्स एंड BEd 2.5 ईयर्स आ जाते हैं। अगर हम फैकल्टी ऑफ लॉ की बात की तो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो स्कूल ऑफ लॉ, एंड उसके बाद फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंस की बात की जाए तो उसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग, फाइनेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, तो ये डिपार्टमेंट आ जाते हैं मैनेजमेंट साइंस में। बाकी फैकल्टी लॉ में आई थिंक LLB आता है। उसके साथ अगर हम बात करें हैं अपने फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंस की तो उसमें बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मेसी एंड जूलॉजी आ जाते हैं। फैकल्टी ऑफ फिजिकल साइंस में आर्कियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्टेटिक्स आ जाते हैं। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में बात करें तो इकोनॉमिक्स, जेंडर स्टडीज़, इंटरनेशनल रिलेशंस, IR, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, पाकिस्तान स्टडी एंड सोशियोलॉजी आया डिपार्टमेंट आ जाते हैं। अगर हम बात करें BS Part 3 ओल्ड मास्टर प्रोग्राम एंड MBA 1.5 ईयर प्रोग्राम एंड MBA 3.5 ईयर प्रोग्राम की बात करें, जो स्टूडेंट 5th सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं, मास्टर करना चाहते हैं, MBA करना चाहते हैं, MBA 1.5 ईयर एंड 3.5 ईयर करना चाहते हैं, तो उनके जो डिपार्टमेंट्स हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैकल्टी ऑफ आर्ट लैंग्वेज में इंग्लिश, सिंधी एंड उर्दू है। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंस में बिजनेस BBA है, कॉमर्स है एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। और फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंस में बायोकेमिस्ट्री है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी एंड जूलॉजी है। और फैकल्टी ऑफ फिजिकल एजुकेशन में आर्कियोलॉजी, बायोग्राफी है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्टेटिक्स है। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स स्टडी, IR, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडी, मीडिया साइंस एंड पॉलिटिकल साइंस में आप MBA या 5th सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। उसके साथ द प्रोग्राम ऑफर्ड एट घोटकी शहादत कोर कैंपस में जो होने वाले हैं, जो BS and BA में जो BS and BBA प्रोग्राम, जो 4 ईयर्स प्रोग्राम है, उसमें BBA खुद डिपार्टमेंट, कंप्यूटर साइंस एंड इंग्लिश डिपार्टमेंट आ जाते हैं। तो ये इनके डिपार्टमेंट्स के बारे में बात हो गई। अब हम बात करते हैं इनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। तो जो स्टूडेंट बैचलर प्रोग्राम, 4 ईयर्स प्रोग्राम एंड BA, LLB या फार्मेसी 5 ईयर्स प्रोग्राम है, जो उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका मतलब कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। वो स्टूडेंट जो सिंध प्रोविंस से हो और इसने अपने इंटरमीडिएट, HSC Part 2 और इक्विवेलेंट एग्ज़ाम जो 2020 से लेकर 2030 तक के बीच में किया है किसी भी इंटरमीडिएट या सेकेंड एजुकेशन बोर्ड में, तो वो एडमिशन ले सकता है, वो एलिजिबल है। साथ अदर जो प्रोविंस है उनकी रिजर्व सीट्स भी हैं।
और उसके साथ स्टूडेंट के इंटरमीडिएट में या जैसे पार्ट टू में 50% मार्क्स होना लाजमी है। और उसके साथ अगर जो फार्मेसी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके 60% मार्क्स इंटरमीडिएट की काउंट की जाएगी। और उसके साथ जो स्टूडेंट जो LLB में एडमिशन लेना चाहते हैं BLLB में, तो उनका मिनिमम 50% स्कोर होना चाहिए एंड लेट की टेस्ट में लॉ एडमिशन टेस्ट जो HEC कंडक्ट करती है। उसके साथ जो BS पार्ट 3 फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहता है या MBA 1.5 या 3.5 ईयर प्रोग्राम एडमिशन लेना चाहता है तो उस कैंडिडेट को 2 ईयर प्रोग्राम बैचलर या AD एग्जामिनेशन 2018 से पहले होनी चाहिए और 50% मार्क्स होने चाहिए किसी भी एक यूनिवर्सिटी से उसने अपने BS फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट की हो। और उसके साथ जो MBA में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनकी 16 एजुकेशन कंप्लीट होने चाहिए सिर्फ BBA डिपार्टमेंट में, बाकी अगर डिपार्टमेंट में BS या MA या MCOM या MPA या MBA कर चुका है तो वो एलिजिबल नहीं होगा। जो स्टूडेंट BE बिजनेस एजुकेशन कर चुका है तो वो अप्लाई कर सकता है MBA 1.5 प्रोग्राम के लिए। तो जो एलिजिबल स्टूडेंट होंगे जिनका फॉर्म सही से फिल हो चुका होगा तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, मैं वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको गाइड करूंगा कैसे इसका फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, तो वो वीडियो जल्द आएगा जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके साथ डिस्क्रिप्शन को लाजमी विजिट करना और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर देना। और उसके साथ जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएंगे एलिजिबल हो जाएंगे तो उनको एंट्री टेस्ट में लाजमी अपीयर होना पड़ेगा। और मज़ीद मालूमात तो कह दिया आप इनके प्रोस्पेक्ट को डाउनलोड कर लें और वहाँ से सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। और उनके साथ स्टूडेंट को एडमिशन फ़ी जो 2500 है वो HBL बैंक में डिपॉजिट करनी पड़ेगी। और उनके साथ सारे जो डॉक्यूमेंट वो अपलोड करने पड़ेंगे, ऑनलाइन अप्लीकेशन होगी तब। और उसके साथ इनको सारा जो फॉर्म होगा वो सब प्रिंट निकाल के 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज के साथ भेजना पड़ेगा। और उसके साथ अगर कैंडिडेट को अपना कोटा मेंशन करना हो तो वो फॉर्म में कर सकता है, उसका कोई अलग फॉर्म नहीं होता। और स्टूडेंट कोई भी क्यूरी होती या कोई गाइडेंस चाहिए तो उनके यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर पर रब्ता कर सकता है। अब हम आते हैं इनके एडमिशन शेड्यूल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनका जो एडमिशन जो अनाउंस हो चुकी है वो तो 18 सितंबर से अनाउंस हो चुकी है, और इनकी जो लास्ट डेट होने वाली सबमिशन आपके फॉर्म की वो होने वाली है 21 अक्टूबर 2023। तो अभी एटलीस्ट 2 मंथ से ज़्यादा अभी टाइम है, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी इनके फॉर्म की रिगार्डिंग वीडियो आपको जल्द मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और उसके साथ जो प्री एंट्री टेस्ट होगी फॉर बैचलर प्रोग्राम के वो सैटरडे को 25 नवंबर 2023 को होगा, ऑफकोर्स मेन कैंपस में होगा। उसके साथ प्री एंट्री टेस्ट फॉर मास्टर प्रोग्राम वो संडे को 25 नवंबर 2023 को होगा, एंड जो क्लास जो स्टार्ट होंगी वो मंडे 15 जनवरी 2024 से स्टार्ट होंगी। सो आई होप मैंने आपको कंप्लीट डिटेल दे दी होगी शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर के रिगार्डिंग। फिर भी कोई क्यूरी होती है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन कर देना। तो आज के लिए इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट डे में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना।